इंडियन सिनेमा की 500 सबसे ज्यादा VFX यूज करने वाली मूवी। नंबर 5 पे है शाहरुख खान की रावण मूवी। 2011 में रिलीज यह मूवी इंडियन सिनेमा में ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस समय लोग ऐसी मूवी देखना नहीं पसंद करते थे और अब वही लोग आदि पुरुष का टीजर देखकर रावण 2 की मांग कर रहे हैं। नंबर 4 पे है क्रिश 3 मूवी। 2013 में रिलीज इस मूवी को डायरेक्ट किया था ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने। यह फिल्म अपने VFX के चलते इंडियन सिनेमा में सुपर हिट हुई। नंबर 3 पर है रोबोट 2.0। 2013 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया है एस शंकर ने और यह अपने VFX के चलते इंडियन सिनेमा में सुपर हिट रही। नंबर 2 पर है RRR मूवी जिसको डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने। यह मूवी अपने VFX के चलते इंडियन सिनेमा के अलावा भी कई देशों में सुपर हिट रही। नंबर 1 पर है हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र मूवी जिसको डायरेक्ट किया है आयान मुखर्जी ने। यह मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा VFX यूज करने वाली मूवी है।